शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में काफी चर्चाओं में नाम है। आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे उद्धव ठाकरे वर्सेस नवनीत राणा के बीच एक अलग ही जंग देखने को मिल रही है। बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना में नई जान फूंकने और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ बताया गया दोस्तों, वो हाथ था रश्मि ठाकरे का, जो कि उद्धव ठाकरे की वाइफ है। आप सभी को बताएं इनके बारे में कुछ बड़ी बातें। उससे पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। रश्मि ठाकरे ने ना सिर्फ उद्धव ठाकरे को सक्रिय राजनीति में बने रहने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने बेटे आदित्य को भी विधानसभा चुनावों के दौरान शिवसेना के लिए प्रचार करने का जिम्मा भी दिया था। आपको बता दें, इन चीजों से रश्मि की काबिलियत बखूबी जाहिर होती है। बीजेपी और शिवसेना ने लंबे वक्त तक मिलकर काम किया, लेकिन बीजेपी के साथ शिवसेना की बढ़ती दूरियों के बीच ये कयास लगाए गए थे कि रश्मि ठाकरे की मर्जी से हो रहा था। पिछले कई सालों से रश्मि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक्टिव रूप से काम कर रही थी। जब सीएम पद के चुनाव थे, रश्मि शिवसेना की महिला विंग के कार्यकर्ताओं के साथ भी जुड़ी हुई थी। आपको बताएं, किस तरीके से रश्मि और उद्धव की लव स्टोरी जो है बहुत ही फिल्मी है। रश्मि ठाकरे की उद्धव ठाकरे से मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। जोंबीवली से ताल्लुक रखने वाले रश्मि ठाकरे के पिता माधव पाटनकर एक बिजनेसमैन हैं। 1987 में रश्मि ने LIC में काम करना शुरू किया था। यहीं रश्मि की मुलाकात MNS प्रमुख राज ठाकरे की बहन जय जयवंती से हुई थी। इसके बाद रश्मि उद्धव से भी मिली। इनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे राजनीति में नहीं आना चाहते थे। रश्मि और उद्धव ठाकरे की शादी 13 दिसंबर 1989 में हुई थी। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में गहरी दिलचस्पी थी और वे इससे खुश थे। शादी होने के 2 साल बाद तक ये कपल घर से अलग रहा, लेकिन इसके बाद वो मातोश्री लौट आए। उद्धव ठाकरे ने चोरंग नाम से एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की थी, लेकिन ये कुछ खास नहीं चली। इस बीच रश्मि ठाकरे अपने पति को सक्रिय राजनीति में बने रहने के लिए लगातार प्रेरित करती रहीं, और इसका नतीजा ये रहा कि 40 की उम्र तक आते आते उद्धव ठाकरे आखिरकार सक्रिय राजनीति में लौट आए। बाला ठाकरे की विरासत का हकदार बनने के लिए उनके भतीजे राज ठाकरे और बेटे उद्धव ठाकरे दोनों में लंबे समय तक जोर आजमाइश चली। उस समय रश्मि ठाकरे ने उद्धव को प्रमुख दावेदार के रूप में स्वीकार करने के लिए माहौल बनाया। इसी के बाद राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी, पैतृक घर भी छोड़ दिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। जहाँ उद्धव ठाकरे का राजनीति में रुझान नहीं था, वहीं आदित्य ठाकरे महज 19 साल की उम्र से ही राजनीति में उतर गए। उन्होंने सेना की यूथ विंग का चुनाव लड़ा। दरअसल बेटे आदित्य को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मां रश्मि हर कदम पर उनकी मदद करती आई थी। यानी कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पीछे उनकी कह सकते हैं माँ और वाइफ रश्मि का ही हाथ था। रश्मि ठाकरे ने बेटे को चुनाव प्रचार में भी मदद की थी। अक्सर उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया में अपनी तस्वीर शेयर करते हैं, जिनमें उनके साथ उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे भी उनके साथ खड़ी नजर आती हैं। लेकिन नवनीत राणा वर्सेस उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय का सबसे गर्म बहस करने वाला मुद्दा है। लेकिन इन सब मामलों पर देखते हैं उद्धव ठाकरे किस तरीके से नवनीत राणा के खिलाफ जंग लड़ते हैं। क्या उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। ये दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिपोर्ट थी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।